वेल वेल वेल, जैसा कि मैंने कहा था, मैं वन बाय वन वीडियो को मैं अपलोड करते रहूँगा। आज के दिन ही पूरा जमशेदपुर का वीडियो अपलोड हो जाएगा। मेरे चैनल में जाओ और स्क्रॉल करके देखो, जैसा कि स्क्रीनशॉट में आपको दिया हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल जमशेदपुर एनालिसिस। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, ये है थर्ड पार्ट। और ये जो आप पर्टिकुलर जो अभी ये पंडाल देख रहे हो, ये जो पंडाल है, ये गणेश पूजा मैदान में जो दुर्गा माता का बनता है कदमा वाला एरिया का, ये वहाँ का ये पंडाल है, ठीक है। सो देख लो कैसा पंडाल है। चलो इसके अंदर अंदर से अभी आपको माता के दर्शन करवाते हैं। काफ़ी प्रॉपर पंडाल बनाया गया है, जगन्नाथ बाबा का आगे में फ़ोटो भी है। सो चलिए अंदर चलते हैं। ऊपर में शिवलिंग है और आपको पूरा प्रॉपर व्यू यहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और ये देखो, जस्ट उसके उस तरफ में पूरा मेला वगैरह लगा हुआ है। तो मेला वगैरह हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग को सिर्फ हमें भी मतलब पंडाल आई मीन टू से पंडाल का ही मैं दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखो हाथी वगैरह मैं प्रॉपर डिटेल वाइज में दे रहा हूँ। तो विथ म्यूज़िक आप लोग इस पंडाल को इंजॉय करो, देखो दर्शन करो माँ दुर्गा का। और ये रहा सेकंड पंडाल। ये जो पंडाल देख रहे हो, ये कालीबाड़ी एरिया का ये पंडाल है। काली माता के मंदिर के जस्ट बगल में बनता है, जो कि लॉयला स्कूल जो बिष्टुपुर में है, लॉयला स्कूल के जस्ट बगल में काली माता का मंदिर है, जिसे कि कालीबाड़ी बोला जाता है। और ये पंडाल वहीं पर बना है, या अभी ये पंडाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो ये मैं 6 डे को बना रहा था, इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन। आज तो 7 डे है जिस समय मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आज तक तो ये पंडाल पूरी तरह से बन चुका होगा। और माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भव्य लग रही है। सो देखो आप लोग और दर्शन करो विथ म्यूजिक। और अब हम लोग उड़ते उड़ते पहुंच गए हैं इस पंडाल की ओर। उड़ते उड़ते मैंने क्यों कहा तो आप लोग समझ गए होंगे। जी हम लोग अभी हैं द फ्लाइंग एरिया ऑफ जमशेदपुर सोनारी में। जी हाँ, और जस्ट मेरे पीछे में जो है वो आपका एयरपोर्ट है, टाटा स्टील का एयरपोर्ट। जस्ट एयरपोर्ट के सामने में यह पंडाल बनता है, मैदान है जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह भी बिक रही होती हैं। सो देख लो इस पंडाल को। अभी पंडाल का जो अंदर में मूर्ति है माता का, इस 6 डे का था। सो उस दिन मूर्ति का फेस ढका हुआ है। सो दिस सीजन मैंने वीडियो अंदर से नहीं बनाया, मैं बाहर बाहर से ही बना रहा हूँ। प्रूफ के लिए मैं आप लोग इस मैदान को भी दिखा देना चाहता हूँ। ये देख लो, और ये अपनी धन्नो खड़ी है। और ये रहा जस्ट उधर तरफ में एयरपोर्ट है, वो दीवार के उस तरफ में पूरा एयरपोर्ट है, टाटा स्टील का प्राइवेट एयरपोर्ट है वो। और यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह मिलती है। और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी पंडाल बना है। पंडाल सिंपल सा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एरिया है। यहाँ पर आप लोग आकर के अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो शाम के शाम। होप यू अंडरस्टैंड। तो म्यूज़िक सुनो और इन्जॉय करो मैन। और ये जो अभी आप पंडाल देखने वाले हो, ये कहाँ का है, कहाँ का है बताओ बताओ बताओ। जी हाँ, आप लोग जमशेदपुर से तो समझ चुके होंगे। ये है आम बगान का पंडाल, जो कि हर साल काफ़ी सिंपल बनता था। लेकिन एक मिनट, ये तो सिंपल नहीं बना है, ये तो एकदम धमाकेदार ज़बरदस्त एकदम क्या बोला एकदम मक्खन की तरह यह पंडाल बना है। एक पुरानी हवेली के बेस पर इस पंडाल को बनाया गया है। सो देख लो इस पंडाल को। कभी भी इतना खूबसूरत पंडाल यहाँ पर इस लोकेशन में कभी नहीं बना था, आम बगान में, साक्षी आम बगान में। तो चलो इस पंडाल का आप लोग दर्शन करो। आप लोगों को फील होगा ना कि आप लोग कोई बहुत कोई लग्जरी हवेली जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, उसके अंदर आप लोग अभी प्रवेश कर रहे हो। क्या प्रॉपर वे में इस बनाया गया है यार, देखने से फील ही नहीं हो रहा कि कोई पंडाल है। सो आ करके देखो, और नहीं देख सकते हो तो मेरा वीडियो देख करके लाइक सब्सक्राइब भी कर दो बीच बीच में मैन।
और अब हम लोग जमशेदपुर से हट करके हम लोग आ गए हैं मुंबई में। मैंने मुंबई क्यों कहा, जी हाँ, ये जमशेदपुर का ये छोटा मुंबई है, यानी कि मानगो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, एकदम आपको मुंबई का फील आ जाएगा अगर आप लोग मानगो में रहते हो तो, या नहीं रहते हो तो चल जाओगे तो आप लोगों को फील आ जाएगा। तो ये बेसिकली हीरा होटल के जस्ट बगल में यह पंडाल बनता है, काफ़ी फेमस पंडाल होता है यह मानगो का। और इस साल जो ये बना हुआ है, ये केदारनाथ धाम बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। हर हर महादेव का नाम भी लिख दो यार कमेंट सेक्शन में। तो देख सकते हो, मैं ऐसे भी आपको मैं प्रॉपर डिटेल वाइज में दिखा रहा हूँ, जय श्री केदारनाथ। यहाँ पर आपको नंदी महाराज भी विराजमान है, एकदम भगवान शंकर की ओर फेस अपना करके। नंदी महाराज जिस भी ओर अपना फेस इंडिकेट कर दें तो समझ लेना चाहिए कि उसी ओर भगवान शिव विराजमान होते हैं, ऐसा हमारे धर्म में माना जाता है। सो देख सकते हो नंदी महाराज का फेस भी एकदम इंडिकेट करता हुआ मंदिर की ओर। तो चलिए चलते हैं हम लोग पंडाल की ओर और भगवान शिव का आपको मैं दर्शन करवाता हूँ, माँ दुर्गा का। सो विथ प्रॉपर म्यूजिक आप लोग देखो फटाफट से। एक और ये पंडाल है, सेकंड पंडाल मानगो का। जी हाँ, ये मानगो का ही है, ब्लू वेल्स स्कूल के सामने में, मधुसूदन फ्लैट्स वगैरह जहाँ पर हैं जस्ट उसी के बगल में ये पंडाल बनता है। और ये भी काफ़ी यूनिक सा पंडाल बना है, एकदम वाइट कलर है। मेरा मोबाइल जो है, आई मीन टू से जो कैमरा है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है पंडाल को, ये काफ़ी ज़्यादा वाइट है, काफ़ी ज़्यादा वाइट है। तो चलिए हम लोग इसके अंदर में आपको भी दर्शन करवाते हैं विथ प्रॉपर म्यूज़िक। इस पंडाल को बनाया गया है गरुड़ महाराज के, मतलब बेस पर इसे बनाया गया है। देख सकते हो दोनों तरफ गरुड़ जी हैं और पंडाल, नो डाउट यार काफ़ी यूनिक और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये जो बेसिकली आप पंडाल देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा खास पंडाल है। जी हाँ, बाहर से देखने में आपको ये खास नहीं लग रहा होगा। जैसे आप एग्रिको से बारीडी की ओर आओगे, सीतगोड़ा की ओर, तो आपको बीच में गड्ढा मैदान मिलता है, L4 एरिया, जैसे कि देख सकते हो बगल में उसका पोस्टर भी लगा है। तो L4 एरिया में ही ये पंडाल बनता है, एक गड्ढा टाइप का मैदान है उसी में। और ये पंडाल को देखने में ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आप इस पंडाल को मैं आपको एक्सप्लोर करके प्रॉपर वे में मैं आपको शो करूँगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस पंडाल को इतना ज़्यादा खास क्यों बोल रहा हूँ। काफ़ी अंधेरा लग रहा है, लेकिन अभी आप जैसे ही अंदर जाओगे आपको
विश्वास नहीं होगा यार कि क्या क्या आपको देखने को अंदर में मिलेगा। पूरा आदि मानव देखने को मिलेंगे, माता की काफ़ी खूबसूरत मूर्ति देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीका के कल्चर्स, जानवर्स के पोस्टर्स, पुतले वगैरह, ये सब चीज़ आपको दिखाई देने को मिलेगा। तो बिना टाइम पास के लिए आप लोग इस पंडाल को देखो और इन्जॉय करो सब्सक्राइब करते हुए। फाइनली जिसका मुझे इंतज़ार था, हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं श्री छत्रपति शिवाजी के पंडाल में। और ये पंडाल जो है वो काफ़ी बड़ा साइज का है, ह्यूज साइज का है पंडाल। आप लोगों को शायद ऐसे पता ना चल रहा हो, लेकिन ये जो सामने में एक आदमी चल रहा है उसे आप लोग पता लगा सकते हो कि पंडाल का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। सो चलिए इस पंडाल को भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी की आपको मूर्ति देखने को मिलेगा, और तो और उनका जीवनी के बारे में भी अंदर में आपको देखने को मिलेगा, उनके फ़ोटोज़ वगैरह, पोस्टर्स वगैरह। और उन्हें अफजल खान को मारा था जिस खतरनाक तरीके से, वो भी आपको पूरा शो होगा अंदर देखने को मिलेगा। टोटल चीज़ आपको इस पंडाल में देखने को मिलेगा। पंडाल किसी एक पैलेस की तरह लग रहा है देखने में, राजवाड़ा पैलेस की तरह। सो चलो अंदर में आप लोग को विथ म्यूज़िक दिखाते हैं, और आप लोग पूरा इन्जॉय करो इस पंडाल को देख करके, और माता का ब्लेसिंग लो। जय भवानी, जय शिवाजी। We'll be right back.
और हम लोग आ गए हैं सीतगोड़ा को पार करके द मोस्ट छपरी एरिया ऑफ जमशेदपुर, द बारवी डी। मैन बारवी डी, जस्ट फॉर जोक्स यार, एक मजाक था, सीरियस मत लेना इसे। सो यहाँ पर भी पंडाल जो है काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, एक पुआल से और बांस के लकड़ी से इस पंडाल को पूरा का पूरा बनाया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली पंडाल है, तो चलिए इसका भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ विथ म्यूज़िक। ये बारीडी कहाँ का है मैं आपको एड्रेस दे दे रहा हूँ। ये बारीडी जो टेम्पो स्टैंड है मेन मार्केट के बगल में, जो मैदान है वहीं पर ही का ये पंडाल है। तो आसपास के एरिया देखकर भी आप लोग समझ ही सकते हो। तो बिना टाइम पास के लिए विथ म्यूज़िक आप लोग इस पंडाल का दर्शन करो, एंजॉय करो, सब्सक्राइब भी करो। फौजा बगान के सामने में ये पंडाल बनता है। इस बार काफ़ी पंडाल को सिंपल बनाया गया है और मैं अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि डिज़ाइन वगैरह भी नहीं है और माता का मूर्ति का जो फेस पे है वो भी ढका हुआ है। तो मैंने आप लोगों को इतना सारे एरिया का दिखाया, अभी और भी कुछ कुछ एरिया का बाकी है, ज़रूर दिखाऊंगा। तो वीडियो में यार बने रहो, सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट से।